Krishna Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari। तो हाय गाइस, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। क्या है ना, ये ब्लॉग मुझे पोस्ट करने में लेट हो गया क्योंकि बीच में कुछ त्योहारें आ गई तो मैंने वो सारी पोस्ट किए तो ये पोस्ट थोड़ा सा रह गया था। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। और मैंने जो पिछला ब्लॉग अपना ट्रैवल वाला डाला था वो भी मैंने लिंक डाल दिया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो हम पहुँच गए आगे यहाँ पर, और घाट में पहुँच के मुझे पता चला कि आरती हो चुकी है, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि स्पेशली मुझे आरती ही देखना था, बट मेरी किस्मत में था नहीं। हमारे ट्रेन लेट होने की वजह से हम वो इंजॉय नहीं कर पाए, थोड़ा दुख तो हुआ बट कोई बात नहीं। फिर भी मैंने सोचा मैं इतनी अच्छी जगह पे हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर हमने इंजॉय किया, अमायरा वहाँ बहुत इंजॉय कर रही थी। और फिर हम बड़े आगे, हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे, हमें लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, इसलिए हमने सोचा। और यहाँ पे मैंने YouTube में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सुना था, जैसे कि यहाँ की कचौरी जो कि बहुत फेमस है मैंने सुना था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा शॉपिंग भी करेंगे एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ खा वा के फिर जाएंगे अपने होटल। थकावट तो इतनी लग रही थी ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी जाना तो था ही। तो हम बड़े आगे और रास्ते में हमें बहुत सारी भीड़ मिली, बहुत सारे लोग आए हुए थे। पता नहीं अभी कुछ ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा था, पर फिर भी भीड़ काफ़ी थी। हम लोग भी बड़े उस भीड़ में आ गए। और मैंने ना यहाँ पे मोहन जी पूरी वाले के बारे में बहुत सुना था कि उनकी कचौड़ी बहुत फेमस है, तो मैं वो खोज रही थी कि वो कहाँ पर है। वो मैंने YouTube में ऑलमोस्ट उसमें देखा था, तो ये रहा मोहन जी पूरी वाले। तो फाइनली मुझे ये मिला, तो मैंने सोचा कि यहाँ की कचौड़ी तो टेस्ट करना बनता है। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके ऑर्डर किया अपने लिए कचौड़ी, और वाकई में वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो फाइनली मैंने लिया कचौड़ी जो कि 60 रुपीज़ प्लेट थी, उसमें दो कचौड़ी थी और मटर की सब्ज़ी थी जो मैंने लिया। मैं पर्सनली कहूँ ना, हो सकता है ये फेमस हो और लोगों को पसंद भी आता हो, पर्सनली मुझे कुछ इतना वाव फैक्टर इसमें कुछ भी नहीं लगा, शायद ये या तो मेरा मुंह ही ख़राब था। फिर मैं बड़ी आगे, मैंने लिया मोमोज क्योंकि मेरा कचौड़ी से दिल नहीं भर रहा था, और फिर मैंने मोमोज लिया और मुझे मोमोज भी एवरेज ही लगा। पर भूख के मारे सारी चीज़ें तब ना अच्छी लगती है, बट ऐसे बताओ ना तो काम चलाओ था। फिर हम बड़े आगे मंदिर, मंदिर में पूरा हमने किया दर्शन। और ये रहे कितने सुंदर बाबा जी, ये मेरे फेवरेट हैं। सो यहाँ पर हमने सारे दर्शन किए और हम चले गए होटल क्योंकि हमारी बज चुकी थी बैंड। तो अगली सुबह हम निकल गए ऋषिकेश के लिए क्योंकि हम ऋषिकेश में वहाँ पर दर्शन करके वहाँ से हमको शाम को ही मसूरी पहुँचना था, तो हम सुबह सुबह निकल गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँच कर वहाँ पर क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें फीवर कोल्ड हो चुका था, तो आधी ट्रिप जो है ना उसी लिए थोड़ा एवरेज में चल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर भी हम बोले कि इतने दूर आए हैं तो दर्शन करना तो है ही। तो फिर हम बड़े आगे दर्शन करने के लिए। और वहाँ जाकर मैंने किया ये पूजा जिसका मैंने रील भी बनाया है, आप मेरा रील भी देखिएगा। और फिर मैं और गुन्नू ने किया थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा हम खेले वहाँ पर, गंगा जल भी मैं लेकर आई वहाँ से, ये सब करके फिर हम निकल गए मसूरी के लिए। कल मिलेंगे मसूरी में, बाय।